हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, देन उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। चाहे आप बातचीत कर रहे हो, चाहे आप बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन आप जानना चाहते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है बट कह नहीं पाता, वो आप इस रीडिंग में आई होप के जान सको। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस इंक्लूड करेंगे और साथ में उनको गाइडेंस भी ऐड करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले टैरो से, लेकिन टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। उसके अलावा उनके मैसेजेस देखेंगे, मैसेजेस हम एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐड करेंगे और साथ में अगर आप करंट पर्सन के साथ हो या डिटैचमेंट में ये हो या कोई भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है और आप जानना चाहते हो कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन, तो वो हम जानेंगे इस रीडिंग में उनकी तरफ से मैसेजेस के थ्रू। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीड एंड देखते हैं कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। जानते हैं उनके दिल की बात, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, जो कि वो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे लेकिन समहाउ कह नहीं पाते। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। लेट्स सी, लेट्स बिगिन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपसे रियली कहना चाहते हैं कि राइट नाउ जिस तरह का बैलेंस आप कनेक्शन में राइट नाउ सीक कर रहे हो अपने पर्सन के एंड से, वो मुश्किल है कि वो आपको दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनके लाइफ में उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो फैमिली की हैं, चाहे वो उन्होंने ख़ुद से बनाई हुई है, जैसे आप अपने ऊपर डाल देते हो कि आपको ये अचीव करना है, गोल रिसीव करने हैं अपने, अचीव करने हैं अपने, और आप अपने आप को एक ऐसे बिजी स्केड्यूल में डाल देते हो कि जहाँ से आपके लिए जान छुड़ाना, निकल पाना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि राइट नाउ शायद आपको फील होता है कि आपका पर्सन आपको सही तरह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन फिलहाल उसके पास इससे ज़्यादा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप विश करते हो कि आपका पर्सन आपको कमिट करे, मुझे नहीं लगता कि वो कर सकता है, क्योंकि करंट सिचुएशन एटलीस्ट ऐसी नहीं है जहाँ पे वो या तो इतना फाइनेंशली स्ट्रांग है कि वो आपको कुछ दे सके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के अप्रूवल के बगैर। कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पे, दूसरी सिचुएशंस पे। तो जो आप डिज़ायर कर रहे हो वो ये आपसे कहना चाहता है कि वो आपको शायद ना दे सके, और अगर आपको इन दैट सिचुएशन लगता है कि शायद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, देन में भी आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप करंट सर्कमस्टांसिस में भी इसके साथ रह सकते हो, तो दे विल बी हैप्पी इफ़ यू डिड, इफ यू डू। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको वो सब दे सकते हैं इन एनर्जीज के साथ। वो रियली आपसे कहना चाहते हैं कि फिलहाल तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं ऑफर कर सकते वो आपको। शायद आपको फील होता है कि वो आपको प्यार नहीं करते, शायद आपको फील होता हो कि वो आपकी केयर नहीं करते, या आपको उन्होंने छोड़ दिया है, या इस तरह की कुछ भी शायद आप नेगेटिव फील करते हो इस कनेक्शन में लेकर। लेकिन आपका पर्सन उसके लिए राइट नाउ शायद उसकी अपनी जो एक आपकी अपनी लाइफ, आपके अपने डिसीजंस जो कि इस इंसान के लिए राइट नाउ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू यू या अपनी लव लाइफ या उस तरह से, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी इसका खुद का एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है जो भी आपका पर्सन है। उसमें वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, जहाँ पे उसके इंडिविजुअल गोल्स या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज एन इंडिविजुअल उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू यू। होल्ड ऑन। सो या आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू मे बी योर पर्सन रियली वॉन्ट्स यू टू स्टे विद देम एज वेल, लाइक इवन दो दे कैन नॉट गिव यू मच राइट नाउ, बट दे रियली विश दैट यू स्टे विद देम, बी अ सपोर्ट टू देम, बिकॉज दे रियली नीड दैट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। सेवन ऑफ वांड्स, they really want you to know that somehow gradually they are trying to be
एक्चुअली आई फॉरगॉट कि मैं ये उर्दू में रिकॉर्ड कर रही थी, बट एनीवेज, सो बेसिकली आपका पर्सन चाहता है कि आप यू नो ग्रेजुअली बचोरली आपका पर्सन जो है वो यू नो वो सब करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन स्टिल वो आप वो चाहता है कि आप उसको छोड़ो नहीं, यू नो ये जो जो भी पर्सन आपका जिसके साथ आप डील कर रहे हो, इवन तो वो आपको राइट नाउ कुछ नहीं दे सकता एज एन कमिटमेंट, एज एन शादी की यू नो प्रपोजल या कुछ इस तरह से जो आप चाहते हो उस इंसान के साथ, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप उसको छोड़ो. दूसरा एक और चीज़ सेवन ऑफ वांड्स, बेसिकली आपका पर्सन चाहता है कि आप अंडरस्टैंड करो कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में स्लोली बट श्योरली लेकर जाए. बट मुझे लगता है कि ये जो भी पर्सन है जिसके साथ आप डील करो, ये आपसे क्योंकि बातें कहता नहीं है, ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए आपके लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करना या इसकी इसके साथ रहना इस तरह के सर्कमस्टांसिस में आपके लिए मुश्किल हो जाता है. सो बेसिकली आपका पर्सन आपसे रियली कहना चाहता है कि बी अ सपोर्ट टू मी, उसका साथ दो, उसको सपोर्ट करो जो भी वो कर रहा है, और नो वन थिंग कि वो अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो कनेक्शन के अंदर स्टेबिलिटी रख सके और जो आप डिज़ायर करते हो उस डायरेक्शन में कनेक्शन को लेकर जा सके. सम हाउ हो सकता है अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो हो सकता है आपका पर्सन को उसमें भी आपकी सपोर्ट चाहिए हो. सो लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स फॉर जजमेंट. किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आपका पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है राइट नाउ, या तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है या फिर फाइनेंशियल गोल्स जो इसने अपने लिए यू नो सेट किए हैं उनको अचीव करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है. अनदर फिर यू हैव द फूल, आपका पर्सन आपसे रियली कहना चाहता है एक चीज़ कन्फर्म है कि आपका पर्सन आपको जो आप चाहते हो वो देना चाह रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, तो आप यू नो वो रियली कहना चाहता है आपसे कि आप इसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और इसमें और अपने कनेक्शन में और अपने लव में टुवर्ड्स दिस पर्सन जो है वो उसका अपना फेथ जो है वो लूज़ नहीं करो, अपनी होप जो है वो लूज़ नहीं करो. करंटली शायद वो आपको इतना स्टेबल नहीं लग रहा लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि वो फाइनेंशली इमोशनली हर लिहाज से स्टेबल हो जाए. सो ये कहना चाहता है आपका पर्सन. लेट्स सी उसके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, इसकी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कहना चाहता है अगर आप एक्स के साथ डील कर रहे हो. लेट्स फाइंड आउट कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे. हाँ, आई हिट हु आई ट्रूली एम फ्रॉम यू, जो जो बेसिकली ये रियल में है इंसान ये आपसे छुपाता है, यू नो इमोशनल है लेकिन आपको शायद दिखता नहीं है क्योंकि दिखाना नहीं चाहता अपनी इमोशनल साइड आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, अपने इंटेंशन आपके साथ ओपनली शेयर नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता, ये इसका नेचर का पार्ट नहीं है. आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. कहीं ना कहीं आपका यू नो स्पेशली अगर ये एक्स है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका पर्सन हो सकता है आपने अपने आप को खुद इस इंसान से दूर कर लिया हो और ये राइट ना आपकी तरफ से कोई साइन का इंतज़ार कर रहा है ताकि उसको पता हो कि आप स्टिल उसका इंतज़ार कर रहे हो. यू नो एक हो सकता है आप लोगों ने कनेक्शन ख़त्म कर लिया लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन चाहता है अब भी यू नो आप लोगों की चाहे बातचीत हो भी रही है या नहीं हो रही लेकिन उसके दिल में एक ख्याल है कि जैसे ही मैं अपना गोल अचीव कर लूँगा तो मैं इस इंसान को रीच आउट करूँगा. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको शायद लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे या शायद आपने गिव अप कर दिया हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन ज़रूर आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाहता है कुछ, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं लेकिन करंटली उसकी सर्कमस्टांसिस उसको साथ नहीं दे रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको रोक लेगा आगे बढ़ने से, मूव ऑन करने से किसी और रिलेशनशिप में किसी और पर्सन के साथ, वो आपको अपना बनाने की पूरी कोशिश करेगा. सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर. आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी. हो सकता है इनिशियली इसने आपको खुद से दूर किया हो या आपको ज़्यादा पास नहीं आने दिया हो फॉर द रीज़न क्योंकि वो आपको कुछ दे नहीं सक रहा, लेकिन जब ये रेडी हो जाएगा सो ये इंसान डेफिनेटली मेक श्योर करेगा कि ये आपको खोने ना दे. सो लेट्स सी मोर कार्ड्स. और क्या कहना चाहता है. फाइनेंशियल डिफरेंसेस दैट वी हैव विल बी एन इशू, माय फैमिली वांट अप्रूव. सो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि या तो इसकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी या फिर आपकी फैमिली अप्रूव नहीं करेगी क्योंकि आप दोनों के दरमियान में फाइनेंशियली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. सो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से फिलहाल हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो ये पर्सन नहीं है, उल्टा भी हो सकता है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है फाइनेंशियली जो चीज़ें हैं वो उनको रिजॉल्व करने में ज़्यादा अपना टाइम लगा रहा है. आई डोंट केयर ऑफ द कमिटमेंट सो आई लेफ्ट. कहीं ना कहीं आपका पर्सन कमिटमेंट से डर चुका था या डर यू नो डर रहा है स्टिल, जिसकी वजह से वो आपको या तो छोड़ चुका है छोड़ने वाला है या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन इट्स नॉट दैट कि वो करना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि सर्कमस्टांसिस फेवरेबल नहीं है. एक और कार्ड देखते हैं.
बल्कि ये तो ज़्यादा सारे आ गए. चलो चारों देख लेते हैं, चार कार्ड्स हैं. आई हैव बीन कीपिंग एन आई ऑन यू ऑनलाइन टू सी वट यू हैव बीन अप टू. कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको स्पाई ज़रूर करता है, वो चेक रखता है कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे आपसे बातचीत होती है उस इंसान की या नहीं होती है. आई कुड नॉट फेस यू फॉर वट आई डिड सो आई गोस्टेड यू. कहीं ना कहीं आपका पर्सन यू नो, मुझे लगता है कि आप लोग मेजॉरिटी लोग जो हैं वो शायद अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, और अगर ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हो या एक्स के लिए या फिर ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ आपकी सिचुएशन कोई ख़ास अच्छी नहीं है. सो बेसिकली आई कैन नॉट फील व्हाट आई मेड यू गो थ्रू. अब क्योंकि आप दोनों की बातचीत शायद उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती, या आपने खुद भी इस इंसान से अपने आप को दूर कर लिया है और आप शायद इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे इस कनेक्शन में खुद से भी, सो अब आपके पर्सन आपको मिस करते हुए फील कर पाता है कि आपके साथ जब उसने आपको गोस्ट आउट किया था तो आप कैसा फील करते थे, क्योंकि अब शायद आपने पुल अवे किया हो अपने आप को इस इंसान से. मे बी वी आर सो डिफरेंट बट मे बी वी कुड स्टिल मेक इट हैपन. आपका पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है इस कनेक्शन को वर्कआउट करना, लेकिन शायद आपको राइट नाउ दिख नहीं रहा, क्योंकि फिलहाल उसका इट्स मोर लाइक यू नो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो आपको पिक्चर में रखेंगे कि यू नो मैं अपनी लाइफ में भी ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ बी अ सपोर्ट. ये इंसान ऐसा है कि आपको पिक्चर में नहीं रख रहा लेकिन चाहता यही है. जैसे यू नो कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी ज़्यादा से खुशी मिले तो वो शेयर करते हैं फ़ौरन, सबसे पहले हर किसी से शेयर करेंगे. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको खुशी मिली है लेकिन वो तब तक शेयर नहीं करेंगे जब तक उनको प्रॉपर मिल नहीं जाती. यू नो फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको पता चल गया कि आप लॉटरी विन कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये खबर ही मिली है तो सबको यू नो ब्रेक कर देंगे न्यूज़ कि भाई मुझे तो लॉटरी विन हो गई है और ये वो. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब तक वो हाथ में नहीं आती है तब तक वो शेयर नहीं करेंगे. सो अगर आपको लगेगा कि क्या पता इसको आई ना लॉटरी, क्या पता इसको मिले ना, एक्चुअली तो मिलने वाली है, एक्चुअली तो होने वाला है, जस्ट दैट कि उसका नेचर ऐसा है कि जब तक उसको एक कन्फर्मेशन या एक सॉलिड पिक्चर होती दिख नहीं रही है तब तक वो यू नो एक न्यूज़ के जैसे उसको ब्रेक नहीं करेगा. लेकिन जो पहला पर्सन है वो शायद बहुत एक्सप्रेसिव है, हो सकता है आप उस तरह के पर्सन हो इसलिए आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है वो शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है. इन एक्चुअलिटी वो चाहता है कि पहले ये काम हो जाए उसके बाद वो नेक्स्ट लव लाइफ की तरफ आएगा. सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की. इसमें हमने ओरेकल कार्ड्स ऐड करने थे. आई डोंट रिमेंबर मैंने कहा था कि ओरेकल इंक्लूड होएगा या नहीं होगा, बट लेट्स टेक सम ओरेकल कार्ड्स. लेट्स सी कि ओरेकल मैसेजेस क्या है अराउंड द सिचुएशन. चार्म्स आई डोंट थिंक मैं ऐड करूँगी क्योंकि चार्म्स का बॉक्स जो है वो दूर है. रिलीज आपको और आपके यू नो इस पूरी सिचुएशन में जो आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि इसमें पास्ट नीड्स टू गो. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपका पर्सन आपको अप्रोच भी करेगा या चीज़ें सही करने की कोशिश भी करेगा, कहीं ना कहीं आपका पास्ट जो है वो आप दोनों के दरमियान में ज़रूर आएगा, जो कि इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है. इवन कि अब भी कर रहा होगा कहीं ना कहीं, बट उसमें हो सकता है कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके पास में ऐसा हो चुका है कि आपके साथ लोगों ने ऐसा किया जहाँ पर आपका टाइम वेस्ट किया और आपको अल्टीमेटली कुछ नहीं मिला, तो हो सकता है कि आप उस पर्सन की इंटेंशन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. सो यू नीड टू लीव द पास्ट इन दैट सिचुएशन. और जब आपका पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करने की कोशिश करें, मेक श्योर कि तब भी आप पास्ट को बीच में नहीं लाओ, क्योंकि सम हाउ हील करना पास्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. मिरेक्युलसली मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बेहतर होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. सो जस्ट बी ओपन टू द आइडिया कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ कोई मिरेकल हो सकता है. सो चीज़ें जिसके बाद ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी. हो सकता है आपके पर्सन का फाइनेंशियल इशूज़ हैं, सो हो सकता है उसकी कोई लॉटरी निकल जाए, हो सकता है इनहेरिटेड यू नो वे में उसको एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आ जाए जिसके बाद उसकी सिचुएशन बेटर हो जाए. और यू नो कुछ ऐसा जो कि शायद आपको लग नहीं रहा कि पॉसिबल है आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन कुछ ऐसा होगा मेरे खिलाफ थी जो कि आपके दोनों के यू नो दरमियान में जो सिचुएशन है वो बेटर होने के चांसेस हैं. सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया टू नो कि आपका पर्सन क्या कहना चाहता है आपसे, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग. पे गाइस टेक केयर, बाय.